नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा वर्मा। स्वागत है आपका NI 24x7 न्यूज में। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राया विकास खंड के आत्मनिर्भर सहकारी समिति नुरेरा अनोड़ा पर किसानों का पेमेंट ना मिलने पर और किसानों की गेहूं की तुलाई रोकने के बाद उठान ना होने को लेकर कि किसानों ने जमकर हंगामा काटा। इस हंगामे के चलते जब RLD नेताओं को मालूम पड़ा तो वह मौके पर पहुंचे। जिला अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह की अगुवाई में दर्जनों नेताओं ने सहकारी समिति पर हंगामा काट रहे किसानों को समझाया और आला अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया और उन्होंने कहा कि 72 घंटों में किसान को पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हमने अभी आला अधिकारियों से बात की, अगर वह पेमेंट नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय लोक दल एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन की राह पर जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर RLD नेता रणवीर सिंह प्रधान, खरवा डॉक्टर महावीर सिंह कार्यकल्याणी सदस्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रामवीर सिंह भगर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिरकार, प्रदेश महासचिव महाराज सिंह रोहित तथा राजीव सिंह दरोरा जी आदि लोग उपस्थित रहे। व्हाइट कुंवर नरेंद्र सिंह, किसान परेशान है करीब 8-10 दिन से। यहाँ पर न तो भुगतानी हो रहा है, न ये बारदाना जो तुला हुआ पड़ा है ये यहाँ से उठ रहा है, नाज पड़ा हुआ है, न तुलाई हो रही है। मतलब यहाँ व्यवस्था बिल्कुल चुरा रहे हो। यही नहीं, कई ऐसे सेंटर हैं, जैसे अभी ADM साहब से बात हुई, वो खुद नीम गांव पर पड़े हुए हैं, वहाँ भी यही शिकायत है। तो एक तो जब ये तय हो गया है गवर्नमेंट से कि 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान बैंक में हो जाएगा, हाँ पासबुक न दे, वो अकाउंट नंबर न दे तो बात दूसरी है। जब उसने अकाउंट नंबर और ये दे दिया तो फिर क्या परेशानी आ रही, फिर भुगतान में विलम्ब क्यों हो रहा और फिर तुलाई क्यों नहीं हो रही? तो सबने पंजीकरण का आदर किया, तुलाई तो विधिवत होनी चाहिए। और ये जो माल भरा पड़ा है, जब यहाँ जगह ही नहीं रहेगी तो गेहूं किसान कहाँ ला के डालेगा? तो ये तुला हुआ माल है या किसान का माल है? तुला हुआ है, गोदाम भरे हुए हैं, यहाँ पड़ा है, ये पड़ी है बोरियां, लदी पड़ी है। मैं सोचता हूँ कई हजार बोरियां, 2700 क्विंटल। मान लीजिए कोई चोरी हो जाए, नहीं चोरी हो जाए, कोई इसमें कोई आग भाग लगा जाए तो किसका नुकसान होगा? बरसात आ जाए, दैविक आपदा आज हो जाए तो फिर कौन जिम्मेवार होगा? किसान का नुकसान तो हो गई होगा, देश का नुकसान होगा। अधिकारी तो अपने तनख्वाह ले रहे हैं, वो तो मजे मार रहे हैं, लेकिन किसान तो परेशान रहेगा क्योंकि धूप में पड़ा है या उसका माल नहीं तुल रहा है, पेमेंट हो नहीं रहा है, जिसका अनाज तुल गया उसका भुगतान नहीं हो रहा। तो ये व्यवस्थाएँ हमारी DS साहब से भी बात हुई है, ADM जो इसके नोडल ऑफिसर है, ADM FNR रविंद्र कुमार जी, उनसे भी बात हुई है। हमने कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को तत्काल सुनिश्चित करें, अन्यथा राष्ट्रीय लोकदल इस पर फिर आंदोलन धरना प्रदर्शन करेगा, उसके लिए प्रशासन की पूरी नैतिक जिम्मेदारी होगी।